आज बनेगा लौकी का कोफ्ता, काकड़ी, भिंडी का भुजिया, चावल एंड दाल। चावल भी बन गया है, यहाँ पे दाल, यहाँ पे कोफ्ता बन गया है। ये सिवके का भोग। आवे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे माँ जयंदे गो। अर्दली आज काफी लेट हो गए, 10 o'clock हो गए, फिर भी हम लोग थोड़ी देर के लिए गरबा के लिए जा रहे हैं। वैसे भी मुझे प्रसाद लेने नीचे जाना ही है, तो छोटे छोटे क्लिप ऐड कर रही हूँ मैं गरबा की, ज्यादा नहीं करूंगी। जो गरबा की पर्टिकुलर क्लिप है ना, हो सकता है मैं अलग वीडियो शेयर करूँ या फिर शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगी। ज्ञान ले लो दिया से। फ्रूट्स वॉश हो गए, बर्तन वॉश हो, माता जी का आप श्रृंगार करेंगे, रेड से चेंज करेंगे ब्लू कलर में। माता जी रेडी हो गए हैं, टाइम हो गया 12 o'clock। इसलिए मैं आपको माता जी के भी दर्शन करा देती हूँ। ये रही हमारी माता जी, कितनी प्यारी लग रही है ना। और कल सप्तमी है, सप्तमी को माता जी का रंग ब्लू है, बहुत सुंदर लग रही है। बस फाइनली सारे काम हो गए हैं, अब मैं जा रही सोने और थोड़ा अच्छे से रेस्ट करूँ, क्योंकि कल गरबा 12 o'clock तक है, तो मैं 12 बजे तक गरबा करने वाली हूँ। इसलिए मैं आज अच्छे से सोऊंगी, इसलिए मैं 12 बजे तक ही सारा काम डन कर लिया है मैंने। 12 o'clock तक हो गया मेरा सारा काम, तो मैं आराम से सो सकती हूँ 7-8 घंटे। सो मैं मिलते जल्दी, मिलते हैं कल। तो इसके बाद मैं चली गई थी सोने, उसके बाद अगले दिन की वीडियो है। हस्बैंड पूजा कर दिए हैं, वो चले गए ऑफिस, और फिर मैं मेरे बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही हूँ। बेटे को ड्रॉप कर दिया है और फूल माला ले लिया है, घर जाके पूजा करनी है, दातुन कर रही हूँ। एंड फिर पिठार के लिए मैंने चावल भी धो दिया, क्योंकि आज सप्तमी है तो शाम को पिठार चाहिए होगा। तो मैं हो गई हूँ रेडी, और अभी हम कर लेंगे थोड़ा मेकअप। आज सप्तमी है तो मैंने हेयर वॉश कर लिया है, क्योंकि सप्तमी से हेयर वॉश वगैरह कर सकते हैं। सो अभी मैं बैंगल पहनूंगी, आज ब्लू है, ब्लू आई हैव दिस एंड आई थिंक ओनली दिस आई हैव इन ब्लू। सो ब्लू खरीदना पड़ेगा, ब्लू कम है, पता नहीं मुझे आएगी भी कि नहीं। ब्लू नहीं, इट इज़ मोर देन पर्पल, इट इज़ लाइक पर्पल। ओके आई सी दिस, ब्लू नहीं है, क्या करे, ब्लू बैंगल तो नहीं है। इस खजाने में देखते हैं ब्लू है क्या। तो ब्लू में लाठी तो नहीं मेरे पास, ब्लू में बैंगल ये वाले हैं। ठीक है, ये मैंने टूटे हुए हैंगर से ऑर्गेनाइजर बनाया हुआ बैंगल का, तो कुछ एक्स्ट्रा यहाँ रखती हूँ मैं, देखते हैं ये वाले होता है तो निकाल के पहन लेते हैं, क्योंकि मेरी साड़ी ब्लू है। बना लिया मैंने 3 का सेट, ये है मेरी साड़ी का रंग। मैंने डिसाइड किया ये पहनने का, तो चलिए पहन लेते हैं।
फाइनली हो गई मैं रेडी और अभी मैं करूँगी पूजा। और ये रही माता जी, मैं और माता जी। ये है मेरी आज की आउटफिट। फाइनल मैं हो गई रेडी और आज मैंने पहनी है ब्लू साड़ी। ब्लू साड़ी क्योंकि आज ब्लू कलर था ना, और मेरे हस्बैंड ने दी थी ये साड़ी 2 साल पहले मेरे बर्थडे पे। सो बहुत अच्छा लगता है मुझे, पहनती हूँ तो मुझ पे सूट करता है ये। सो ये मैंने पहनी है। मैंने सोचा है कि मैं ट्राई करूँगी कि पूरा दिन ही पहनी रहूँ, बिकॉज आज सप्तमी की पूजा है तो शाम को भी बहुत सारे रिचुअल्स रहेंगे, जैसा कि घर में रहता है मेरी मम्मी के घर में। तो आज पिठा वो जो है ना जगरना है ना आज, तो चावल पीस के जो पिठार बनेगा तो पूरा उसके छींटे होंगे, सिंदूर लगेगा और नए कपड़े वगैरह भी आज रखे जाते हैं माता जी के सामने, और आज से हेयर वॉश वगैरह कर सकते हैं। कौन सा कलर लिया? ब्लू। कुछ नहीं, ब्लू। वो ब्लू चाहिए तो ले लो। तो ऑलरेडी बेटे को लेकर आ गई थी मैं स्कूल से, और अभी बेटी को लेने गई थी, और आज साड़ी पहनी रही थी मैं तो यहाँ जो है ना मेरी बेटी के स्कूल के पास, मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि वहाँ पे 2 पंडाल है, तो वहाँ दर्शन करने आ गई हूँ। तो वहाँ के दर्शन की क्लिप है ये, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और यहाँ वहाँ पे एक और 2 पंडाल है, तो ये दूसरी पंडाल का की जो माता जी हैं वो हैं, तो वहाँ के दर्शन है। और ये वीडियो 2 दिन की थी, अगली जो वीडियो है सप्तमी इवनिंग एंड अष्टमी मॉर्निंग का, वो मैं कल शेयर करूँगी। जय माता दी। और आज मुंबई में हुई बारिश, क्या आपके घर के पास भी बारिश है? कॉमेंट में बताइए।